ब्रिटिश आर्ट्स इंजीनियरिंग कंपनी का कहना है कि उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर ऐसी फीमेल रोबोट तैयार की है जो इंसानों की तस्वीर बना सकती है। कंपनी का दावा है कि इस तरह की यह दुनिया की पहली रोबोट है। इसका नाम AI डा रखा है। इस रोबोट को एडन मेलर ने डिजाइन किया है। एडन ने बताया कि इस रोबोट को दुनिया की पहली महिला कंप्यूटर प्रोग्रामर एडा लवलेस का नाम दिया गया है। एडन ने बताया कि AI डा की आंखों में कैमरे लगाए गए हैं जिसकी मदद से वे इंसानों के चेहरे पहचान सकती है। पेंसिल की मदद से चित्र भी बना सकती है। इसी वजह से इसे दुनिया की पहली प्रोफेशनल ह्यूमैनॉइड आर्टिस्ट भी कहा जा रहा है। इंसानों में फर्क कर सकती है। इसके साथ ही यह रोबोट इंसानों के साथ आई कॉन्टेक्ट कर सकती है। इंसानों की तरह मुंह खोल और बंद कर सकती है। इसके अलावा इंसानों से बात भी कर सकती है और उनके सवालों के जवाब भी दे सकती है। इंजीनियरिंग आर्ट्स में डिजाइन और प्रोडक्शन इंजीनियर मार्कस होल्ड ने बताया कि इस रोबोट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया है जिसकी मदद से यह इंसान के चेहरे को फीचर्स को पहचान कर उनमें फर्क कर सकती है। अभी इसका ढांचा तैयार AI डा का अभी सिर्फ ढांचा ही तैयार हो पाया है, लेकिन इसकी टेस्टिंग हो चुकी है। इंजीनियरों का कहना है कि इसमें रोबोट हिस्पियन बॉडी होगी जो एक सेपरेशन भी देगी। इसके डिजाइनर इसे इंसानों की तरह ही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इसके लंबे बाल होंगे, सिलिकॉन स्किन होगी और 3D प्रिंटेड दांत और मसूड़े होंगे।